Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से एक लोकसभा सीट और दो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा थी तो वो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर थी। तो वहीं रामपुर, जो कि आजम खान का गढ़ कहा जाता है और लगातार 10 दफा तक वो वहां पर विधायक रह चुके हैं और उस सीट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा थी। तो एक और सीट खतौली, जहां पर जयंत चौधरी के पार्टी के टिकट पर चुनाव वहां पर लड़ा जा रहा था और तीनों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है। और बड़ी खुशखबरी यह है कि मैनपुरी में डिंपल यादव ने रघुराज साक्य को भारी मार दी है, तो वहीं आजम खान का किला ध्वस्त होते नजर आ रहा है। जी, अब सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जहां रामपुर विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे थे, आजम खान का जो सीट था वहां पर उनका कब्जा रहता था, लेकिन इस बार उनका कब्जा जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरीके की काउंटिंग चल रही है और अंतिम फेज में काउंटिंग है, उस समय आकाश सक्सेना जो है वो असीम रजा से जबरदस्त तरीके का बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। लगभग 25,000 वोटों से आकाश सक्सेना जो है वो असीम रजा से आगे चल रहे हैं। 20 राउंड तक असीम रजा, जो आजम खान के करीबी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो लगातार आगे चल रहे थे। माना यह जा रहा था कि आजम खान अपने गढ़ यानी कि रामपुर को बचाने में सक्षम हो पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग राउंड की गिनती बढ़ती जा रही है, आकाश सक्सेना भारी बढ़त बढ़ाते नजर आ रहे हैं। लगभग 30,000 वोटों से आकाश सक्सेना आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और अब लगभग लगभग जो है वहां पर आकाश सक्सेना का जीत तय है और आजम खान का लोकसभा के बाद अब जो है विधानसभा का किला जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर कि आजम खान के लोकसभा के बाद अब विधानसभा का भी किला कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया है। तो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई है, डिंपल यादव चुनाव लगभग 3 लाख के तकरीबन वोटों से जीती है। तो वहीं जो है मदन भैया जो है वो खतौली विधानसभा सीट से आरएलडी के उम्मीदवार जो थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के राजकुमारी सैनी को चुनाव हरा कर वो वहां पर जीत कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर जो है वो कहीं ना कहीं आजम खान की सीट रामपुर में देखने को मिला है और वहां पर आकाश सक्सेना जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और बस औपचारिक जो ऐलान है वो कहीं ना कहीं बाकी है। तो आजम खान का किला जो है वो विधानसभा चुनाव में भी ध्वस्त होते नजर आ रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।